हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गाजर का खीर। तो मेरे पास गाजर है, अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। मैंने गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, आप देख सकते हैं। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दिया है गरम करने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आप फॉर्चून ऑयल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फॉर्चून ऑयल ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, गाजर को इसी में डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम भूनेंगे। इसको चला चला के हम 4 से 5 मिनट भूनेंगे ताकि ये पूरी तरह से पक जाए। हाई टू मीडियम गैस को रखना है। मेरे पास यहाँ पे 1 लीटर दूध है, हम इसको इसी में डाल देंगे। आप दूध कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले से ही दूध को गर्म करके रख लिया था, इसलिए मैं डाल रही हूँ। मलाई वाला दूध था मेरा। आप गाय का या भैंस का या फिर पैकेट का दूध में आप इसको खीर को बना सकते हैं। थोड़ा सा दूध और मैं ऐड कर रही हूं। ऐसे ही हम इसको अच्छे से पकने देंगे। थोड़ा सा दूध मैं एक कटोरी में ले रही हूं, करीब 4 चम्मच के बराबर होगा। मैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर ले रही हूं, केसर इलायची फ्लेवर का 2 चम्मच। हम इसको फेंट लेंगे खूब बढ़िया से। इसको अच्छे से हम 5 से 7 मिनट पकाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड, गाजर का खीर बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि खुशबू अच्छी आए। देखिए 4 से 5 मिनट तक ये पक गया है। अब इसके बाद से हम थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर डाल रहे हैं जो मैंने दूध में घोल के रखा था। ऐसे ही लगातार चलाएंगे ताकि ये तली पे बैठे ना। इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गाजर का खीर गाढ़ा ना हो जाए। अब इसमें हम
आधा कटोरी चीनी ऐड करेंगे। आप मीठा कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी खीर हमारा रेडी नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं अभी पतला है ये। आप देख सकते हैं गाजर का खीर मेरा एकदम रेडी हो गया है। देखिए कितना बढ़िया बना है, कितना गाढ़ा। जब भी आपका मीठा खाने का दिल हो आराम से इसको घर पे बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए कितना बढ़िया बना है। अब हम गैस को ऑफ कर दे रहे हैं। लीजिए फ्रेंड, रेडी है हमारा गाजर का खीर। देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा बना है। आइए फ्रेंड अब खाया जाए। थोड़ा सा मैं ऊपर से इस पे कुछ ड्राई फ्रूट डाल रही हूं इसको सजाने के लिए। अगर आपके पास कुछ ड्राई फ्रूट है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं।